So hi guys and welcome back to another video. I am Lokesh and this video is all about the Bobo Jogrip bike phone holder. Yes, ये मैंने order किया था Amazon से for 1139 rupees. Offer चल रहा था recently और मुझे मेरी bike RTR 200 के लिए एक phone holder चाहिए था. अब ये जो है without charger वाला version है इसका, आप with charger वाला भी order कर सकते हो. तो चलिए इसे unbox करते हैं और बाद में install करते हैं अपनी bike पर. तो एज यू कैन सी कुछ इस तरीके से है पैकिंग एंड ये रहा एक्चुअल फोन होल्डर. इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आई मीन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है एंड इस तरीके से आप जो है आपका फ़ोन इसमें फिट कर सकते हो. अराउंड 6 inches तक फ़ोन जाता है आई गेस एंड ये है पीछे, इसे आप माउंट कर सकते हो. बाकी कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या है. ओके, सो वी हैव अ 3M टेप और ये जो है ये जाएगा आपकी बाइक के हैंडल बार पर एज यू कैन सी एंड ये इस तरीके से यहाँ पर फिट हो जाएगा. फिर आप जो है आपके फ़ोन आपके अकॉर्डिंगली एंगल एडजस्ट कर सकते हो एंड इसी के साथ साथ ये जो है मिरर के लिए दिया गया है, मिरर माउंट. यस, अगर आपके बाइक के हैंडल बार में स्पेस नहीं है तो आप मिरर पर भी इसे लगा सकते हो. ये स्कूटर्स पर आपको काम आएगा और बाइक पर भी आप इसे लगा सकते हो. और ये हमें मिलती है एक एलन की. तो चलिए जाते हैं इसे इंस्टॉल करके देखते हैं बाइक पर. सो लेट्स गो. ऑर्डर तो मुझे राइट साइड में लगाना है, यहाँ पर जो है स्पेस है थोड़ी सी तो मैं इसे राइट साइड में लगाना चाहूँगा. यहाँ पर जो है मैंने 3M टेप लगा दी है एंड उसके ऊपर से हम जो है ये माउंट्स लगाएंगे. अब मेरे हैंडल बार पर जो है ज़्यादा स्पेस है नहीं तो इसलिए मैं राइट साइड पे लगा रहा हूँ, बाकी आप लेफ्ट साइड पर भी उसे लगा सकते हो. ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बैठेगा. अब इसको हम स्क्रू लगा कर टाइट कर देंगे. तो मुझे इस एंगल पर जो है फिट कर देना है अभी. और बॉक्स में जो है एलन की प्रोवाइड की गई है उस स्क्रू को टाइट करने के लिए, तो अब उसे लगा देते हैं. बहुत इजी है, आप घर पे भी कर सकते हो. थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा. ओके, तो ये अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है. फिर एक और बार हम एंगल चेक कर लेते हैं ताकि बाद में टाइट करने के बाद इसे मूव नहीं करना है मुझे. थोड़ा लूज रख के एंगल चेक कर लेते हैं फिर से. ये टैंक को टच नहीं हो रहा ना, ये भी आप एक बार चेक करो ऐसे. तो मेरे केस में तो नहीं हो रहा है टच, तो परफेक्ट है. ये जो नट है प्रोवाइड किया गया, नट को पहले अंदर डालना है और उसके बाद आपका जो फ़ोन होल्डर है उसे फिट कर देना है. और ये नट है ना, नट को आप पीछे से ये जो ये लाइंस दिए इसको आप ऐसे टाइट कर देना है. हो नहीं रहा है, एक सेकेंड, मैंने गलती से उल्टा डाल दिया, तो पहले उसे ठीक करता हूँ. तो इंस्टॉलेशन जो है हो चुका है. तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है चार्ज मोबाइल होल्डर. मैंने जो है राइट साइड पे लगाया है, आप अगर चाहिए तो लेफ्ट साइड पर भी लगा सकते हो बट मेरी इसमें बहुत कम जगह है. तो कुछ इस तरीके से आप इसे रोटेट भी कर सकते हो. अब मैंने इसे टाइट कर दिया काफ़ी ज़्यादा, तो अगर आप चाहो तो आप इसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हो जैसे आपको फोन लगाना है किसी भी एंगल में. एंड बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है, जैसे कि आपने देखा ही होगा. आप घर पे भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड सिंपली एंगल सेट करने के बाद आपको जो है इसे टाइट कर देना है.
सो दैट्स इट गाइज, ये था बोबो मोबाइल फ़ोन होल्डर के बारे में एक शॉर्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक देना। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इस प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर दूंगा, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ। चलो बाय।